खबर है मिर्जापुर से। 16 जुलाई 2023 पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत जिलाधिकारी दिव्या मित्तल व पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने लखनिया नदी का निरीक्षण किया। सैलानियों की सुरक्षा व पार्किंग आदि व्यवस्था के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। बता दें जिलाधिकारी ने कहा कि लखनिया नदी जनपद मिर्जापुर की सबसे खूबसूरत जगह है जो सैलानियों के लिए खोलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कतिपय लोगों का हादसे में मौत हुआ है, उसी के क्रम में बैरिकेटिंग लगाने व अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए व पूर्ण हो जाने पर हमारा प्रयास रहेगा कि इसे खोल दिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि चूना दरी जो काफी खतरनाक है अभी अभी व्यवस्थाएं वन विभाग करवा पाने में सक्षम नहीं है, फिलहाल चूना दरी बंद रहेगी। लखनिया दरी को खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है, इसे खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चूना दरी की तरफ जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही कहा यहाँ पर बैग की चेकिंग, शराब पीना, मांसाहारी यह सब प्रतिबंधित रहेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि शराब पीने वाले पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा और विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकतर हादसे शराब पीने की वजह से होते हैं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ला व उप जिलाधिकारी नवनीत सेहरा, चुनार थाना प्रभारी कुमार शेखर व अन्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आशीष पांडे। सुरक्षा के लिए काफी यहाँ पर क्या प्रबंध व्यवस्था कराने पड़े? जनपद मिर्जापुर में जैसे कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है, बरसात हो रही है, तो जो टूरिस्ट स्पॉट है हमारा लखनिया दरी, यहाँ पे आज हमारे और डीएम साहब और टीम के द्वारा यहाँ पे निरीक्षण किया गया एवं ये चेक किया गया किस तरीके से इसको खुलवाया जा सकता है, शुरू किया जा सकता है। लास्ट ईयर काफ़ी लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो जाने के बाद में चूना दरी और लखनिया दरी के आगे जाके डेथ्स हुई थी, उसके बाद से लगातार ये बंद चल रहा था सुरक्षा के जो मानक थे उसके कारण। अब यहाँ पे लखनिया दरी को शुरुआत करने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है, जिसके लिए कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए जा रहे हैं। बैरिकेडिंग लखनिया दरी से चूना दरी के बीच में की जाएगी, जिससे कि लोग चूना दरी तक ना जाए, सिर्फ लखनिया दरी को खोलने का इस बार हमारा प्लान है। और इस प्लान के तहत यहाँ पे फॉरेस्ट विभाग के एवं पुलिस की भी पिकेट यहाँ पे रहेगी। जो पब्लिक आएगी वो शराब का सेवन ना करे या इस तरीके का कोई भी नशीली पदार्थों का उपयोग ना करे, जिससे कि वो अपना होश आवाश खो बैठे। और इस पूरे सुरक्षा मानकों को लेके और जो अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ में यहाँ पे अगले इस वीक के अंदर ही, कमिंग वीक है, यहाँ पे लखनिया दरी को खोलने हम लोग जा रहे हैं। पिछली बार सर चूना दरी पे लखनिया पे छूट दिया गया था, लेकिन चूना दरी रोक लगाया गया था। हाँ। और रोक के बावजूद भी कुछ सैलानी ऊपर से आए थे और झरने में गिरे। बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन है चूना दरी के लिए कि वहाँ पे जो कि खतरनाक है, पब्लिक के लिए सेफ नहीं है। लास्ट ईयर काफ़ी डेथ्स हुई थी, तो वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, पब्लिक भी वहाँ ना जाए। लेकिन लखनिया दरी हम लोग खुद अभी देख के आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत जगह है, उसको एंजॉय करिए। वहाँ पे अपने पब्लिक के साथ, अपने फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में आप एंजॉय करें, सुरक्षा मानकों का प्रयोग करें, नशे का सेवन ना करें। एवं कमिंग वीक से आप लोग लखनिया दरी टूरिस्ट स्पॉट जो मिलेंगे। ठीक है, हमने अभी लखनिया दरी का निरीक्षण किया, बहुत ही खूबसूरत जगह है हमारे जनपद की और निश्चित तौर पर सैलानियों के लिए खुलनी चाहिए। तो अभी इसमें कुछ, क्योंकि पहले कई हादसों में कई लोगों की मृत्यु हुई है, तो उसी के क्रम में कुछ बैरिकेडिंग और कुछ अन्य निर्देश जो है यहाँ पे दिए गए हैं, वो पूरा हो जाने पर निश्चित तौर पर लखनिया दरी को खोलने का हमारा प्रयास रहेगा। चूना दरी क्योंकि बहुत ज़्यादा अधिक खतरनाक है और अभी वो पूरी व्यवस्थाएं वन विभाग उसको करवा पाने में सक्षम नहीं है, तो फिलहाल के लिए चूना दरी बंद रहेगी, परंतु लखनिया दरी को खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। कब तक मैडम ये खुल पाएगा? अगले कुछ दिनों में, जो जब जैसे ही इनकी जो व्यवस्थाएं हैं पूर्ण हो जाएगी, अगले कुछ ही दिनों में इसको खोल दिया जाएगा और आपको सूचित कर दिया। कुछ शर्तें भी रखी गई हैं कि जैसे पहले जी इसमें नहीं, बिल्कुल कई शर्तें रहेंगी, जैसे चूना दरी की तरफ जाना पूर्ण तरह प्रतिबंधित रहेगा, यहाँ पे बैग्स की चेकिंग भी कराई जाएगी, शराब पीना, मांसाहार ये सभी चीज़ें प्रतिबंधित रहेगी, और शराब पीने पर हम लोग जुर्माना भी लगाएंगे, भारी जुर्माना, और साथ में विधि कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि शराब पीने की वजह से ही बहुत सारी यहाँ पे जो हादसे हुए हैं वो हुए हैं।